वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हमने ये तय किया है कि आपको और डिटेल में ये बताएं कि हम ये सब्जेक्ट अभी कर रहे हैं तो किस कारण से, और इसके बेसिस पर आगे फर्दर आज की नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे बेहतर समझ सकते हैं, वन बाय वन समझते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है यहाँ पर मैंने लिखा है डेवलपमेंट्स, दैट इज़ नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। ओके, देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। आप जब मैप के थ्रू जाएंगे तो मैप दे ले ही लेते हैं हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस समझ रहे हैं, पर्पस। वो वाला मैप एट ग्लोब, इसको आप फोल्ड कर देना। देखिए जब हम मैप के थ्रू जाते हैं, ये देखिए दिस इज इंडिया। आप इंडिया से थोड़ा अबव आइए, यहाँ देखिए ये पाकिस्तान, यहाँ देखिए अफगानिस्तान, और यहाँ इसके ऊपर जाना शुरू कर दीजिए, देखिए ये उज्बेकिस्तान है और ये कजाकिस्तान है। ठीक है, दीज आर द रीजन्स। आपको पता है कि ये जो एरिया है, ये अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा दीज आर द सेंट्रल एशियन रीजन्स, जैसे सेंट्रल एशियन, एशियन कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशियन। इस रीजन में एक सी हुआ करता था, एक सी हुआ करता था, नहीं थोड़ी नई बातें कर रही आज, एक सी हुआ करता था, आज नहीं है। और कब हुआ करता था, प्लीज घबराइए मत, ये थोड़े ही समय पहले तक हुआ करता था, अब बच्चे वहां पे क्रिकेट खेलते हैं। कौन सा सी हुआ करता था, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सी, अरल सी, अरल सी हुआ करता था। ये अरल सी अब सूख गया। इसे पानी देने वाली दो रिवर्स होती थी, आमू दरिया, सीर दरिया। आमू दरिया, दरिया भी कहते हैं ना, जैसे ब्यास दरिया, सतलुज दरिया, तो आमू दरिया, सीर दरिया, तो इसको वाटर कंट्रीब्यूट करती थी। और ये आमू दरिया और सीर दरिया का पानी एक समय में, जब अमेरिका और यूरोपियन कॉलोनियलिज्म डेवलप हो रहा था, तो ये सेंट्रल एशिया के इन रीजन्स में बहुत अच्छी सॉइल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और ख़ास तौर पर अमेरिकन्स को ये कॉटन यहाँ पे ग्रो करना था इस एरिया को कंट्रोल करके, इसके लिए उन्होंने आमू दरिया और सीर दरिया का वाटर डाइवर्ट कर दिया, रिवर का वाटर डाइवर्ट कर दिया कॉटन फील्ड्स में, और इसकी वजह से आरल सी में पानी जाना बंद हो गया। और आरल सी के नुक्स खत्म होने से स्ट्रॉन्ग बायोटिक लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, सराउंडिंग वाटर डिप्लीशन हुआ, सराउंडिंग रीजन में इकोसिस्टम इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। आज की डेट में ये खबरें सारी पढ़ेंगे आप, बट ये जो मैंने आपको बता दिया कि आमू दरिया और सीर दरिया दो नदियाँ थीं, अमेरिकन और यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के टाइम पर यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन हुआ करती थी, वाटर डाइवर्ट करने से ये सब हुआ। जब इस प्रोसेस के वाया आएंगे तभी ना आप समझ पाएंगे कि आज की डेट में ये आरल सी के सूख जाने के कारण कहाँ है। आज आरल सी सूख गया है, ये रियलिटी है, बैकग्राउंड क्या है। मैंने पहले ही एक सवाल पूछा था कि आज गगन फ्राइडे को यहाँ है, फ्राइडे की गगन की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मुझे गगन का मंडे समझना भी तो ज़रूरी है, कि मंडे को गगन क्या कर रहे थे, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, ओनली देन आई कैन अंडरस्टैंड द फ्राइडे एसोसिएटेड विद एनी पर्सन। सो आज की डेट में जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो चाइना के, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ मेकोंग रिवर को लेके इश्यूज हैं, चाहे वो चीन, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर के डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो चाइना के ईस्टर्न एंड से स्टार्ट होकर के यूरोप के वेस्टर्न एंड तक जाने वाला सिल्क रूट को लेकर के डिस्प्यूट्स, क्योंकि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इसी सिल्क रूट को रिवाइव करने में लगा है
और ऐसा माना जाता है चाइना इसके वाया पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत सी सड़कें, ब्रिजेज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाएगा, कई मार्केट्स क्रिएट करेगा और इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड को ओवरपावर करने की कोशिश करेगा, ऐसा कहा जाता है। और हम देख भी सकते हैं कि इस समय चाइना का एक बहुत बड़ा डेट है पाकिस्तान के ऊपर, और हमने अभी अभी रिसेंट खबर सुनी कि पाकिस्तान शायद अपने उन डेट को ख़त्म करने के लिए, कुछ हिस्से को ख़त्म करने के लिए, गिलगिट और बाल्टिस्तान का इलाका चाइना को लीज़ पे दे देगा। देखिए आज जो हो रहा है आप कैसे समझ जाएंगे उसको अगर आपको पता ही नहीं कि वो क्यों हो रहा है। एक चीज़ को रटना या एक चीज़ को इररेलेवेंट, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये खबर आई कि चाइना गिलगिट पाकिस्तान को, पाकिस्तान गिलगिट और बाल्टिस्तान को चीन को दे सकता है, पहले तो ये टॉपिक ही आपके लिए इररेलेवेंट है क्योंकि आपको लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन क्या है, और पाकिस्तान और चाइना के मिल के इस समय पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर चीन के पैसों से, ना आपको ये पता। लेकिन जब आपने इन सब्जेक्ट्स के वाया ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो अखबार में या न्यूज़ चैनल में आई हुई वो हेडलाइन ही मोर देन केपेबल है आपको पूरी पिक्चर इमेजिन करवाने के लिए कि ओके 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 दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आप सिर्फ मुझे ये हेडलाइन दीजिए कि पाकिस्तान गिलगिट और बाल्टिस्तान देने जा रहा है चीन को, मैं आपको सारी स्टोरी समझा दूंगा। कैसे? क्या आप मानते हैं कि कोई डिवाइन एनर्जी होती है ये जो आती है? नहीं, डिविनिटी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है, लेकिन कहाँ? आपके अंदर और आपके सराउंडिंग में, लेकिन वो कई लेयर से कवर्ड होती है। अ लेयर ऑफ इग्नोरेंस, अ लेयर ऑफ लिथार्जिकनेस, अ लेयर ऑफ डिज़ायर्स, इनको जब वन बाय वन आप अनलेयर करते हैं तो डिविनिटी जो है वो इमर्ज होती है। तो डिविनिटी यू कैन नॉट रिसीव फ्रॉम एनीवेयर, डिविनिटी विल इमर्ज। ठीक है, प्रकाश होता है, प्रकाश आता सुना है, तो दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। तो चीज़ें आप खुद ही समझने लगते हैं। इस तरह के तमाम नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहूँ कि यूरोप की एक मैगजीन्स में अक्सर ही विश्व के एक बड़े धर्म जैसे कि इस्लाम, उनसे जुड़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जैसे प्रॉफिट मोहम्मद, उनके रिलेटेड कई तरह के, उनको डिमीन करने के, उनको आप कह लीजिए डिफेम करने के कार्टून्स और बहुत सी चीज़ें बनती रहती हैं। इसका कारण पता होना जरूरी है आपको। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप इस समय वर्ल्ड में हाईली अर्बनाइज्ड नेशन है, यानी कि वहाँ की 80% पॉपुलेशन अर्बन है, और अर्बन सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी की एक निशानी होती है कि वो बहुत ही स्मॉल साइज्ड होती है। यानी कि यूरोप में इस समय फैमिली साइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल पर भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे, उनकी फर्टिलिटी रेट इतनी कम है, इसके तहत उनके पास युवा कम है, यूथ, तो फिर एंट्री लेवल जॉब एक्वायर करने के लिए वर्कर कहाँ से आएंगे? तो यूरोप ने अपनाई है इमिग्रेशन की पॉलिसी, तो वो दूसरे देशों से माइग्रेंट्स को बुलाता है कि उनकी एंट्री लेवल जॉब्स वो करें। लेकिन एक लॉन्ग स्टैंडिंग यूरोपियन कल्चर के सामने वो जब दूसरे देशों से आए हुए लोग एक नई लैंग्वेज और अपना रिलीजन फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो फिर कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, और उन कन्फ्लिक्टों के तहत फिर आपको मैगजीनों में ऐसी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जो पहले से बैठे हैं उनको लगता है कि कहीं हमारे रिसोर्सेज को इनको इनक्रोच ना कर ले, और जो नए आ रहे हैं वो इकोनॉमी वाइज ही तो नहीं एग्जिस्ट करेंगे, वो अपना कल्चर भी तो प्रमोट करेंगे। तो इस समय यूरोप में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज़ इस्लाम। इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, क्योंकि मेजॉरली नॉर्थ अफ्रीकन्स एंड वेस्ट एशियंस यही लोग हैं जो माइग्रेंट्स के रूप में यूरोप जा रहे हैं। आज की तमाम चीज़ों को समझने के लिए आपको वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के वाया डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, उन कॉन्टिनेंट्स के क्या क्या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, यानी कि कौन से माउंटेंस हैं, रिवर्स हैं, उनके पास कितने मिनरल्स हैं, उनके पास कितने अच्छे वाटरवेज हैं, कितनी अच्छी कोस्टल कनेक्टिविटीज़ हैं, उनका लैंड कितना एग्रीकल्चरली सुपीरियर है या फिर मिनरल वाइज सुपीरियर है, ये समझना ज़रूरी है। फिर टाइम टू टाइम उनकी सोसाइटी में कल्चर वाइज क्या चेंजेस आए, ये समझना ज़रूरी। जैसे
ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो लैंड या जो कॉन्टिनेंट रिसोर्स वाइज रिच होगा वही डेवलप्ड होगा। अगर ऐसा होता तो अफ्रीका रिसोर्स वाइज वन ऑफ द बेस्ट रिच एरिया, तो वो तो डेवलप्ड ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जापान में तो रिसोर्सेज ही नहीं है और वो तो हाईली डेवलप्ड है, फिर ये क्यों? तो यहाँ पर ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, एक सर्टेन लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। टेक्नोलॉजी को कौन डेवलप करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए ह्यूमन पर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ द सोशल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, सोशल कैपिटल, दैट इज़ एजुकेशन, लिटरेसी, दैट इज़ हेल्थ, दैट इज़ सैनिटेशन, हाउसिंग। एक लंबे समय से जापान ने ये किया अपने लोगों पर। आज की जापान की परिस्थिति ये है, उनके पास बेस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके पूरे वर्ल्ड को बेचते हैं। सो ये एक तो रिसोर्सेज का होना, एक सोसाइटी ने अब तक के कैसे कल्चरल चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं। यूरोप में, जापान में कल्चरल चेंज आया और जापान टेक्निकली एडवांस हो गया, जबकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। अफ्रीका में रिसोर्सेज हैं बट उसकी सोसाइटी में ऐसा कोई कल्चरल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं कि वो टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस हो, इसलिए वो आज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट है। सब सहारन अफ्रीकन रीजन्स को अगर आप देखें तो पॉवर्टी, माल न्यूट्रीशन, हंगर, रेप्स, इस तरह की केसेस से भरा हुआ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, क्योंकि गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती है। ये समझना ज़रूरी है ना। आज भारत, इंडिया अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स में कुछ कहता है या फॉरेन पॉलिसीज बनाने के समय ये कहता है कि अगर आपके आज जयशंकर ये कहते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कहते हैं कि यूरोप की एक प्रॉब्लम है, यूरोप को ऐसा लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन सारी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की नहीं है। यूरोप को अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा। यूरोप की प्रॉब्लम अगर सारी दुनिया की है तो सारी दुनिया की प्रॉब्लम भी फिर यूरोप की है। दूसरा, अगर यूरोप की प्रॉब्लम सारी दुनिया की नहीं है तो फिर दुनिया की प्रॉब्लम भी यूरोप की नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा कि यूरोप प्रॉब्लम में आया तो जैसा यूरोप डिक्टेट करे सारे वैसे ही फॉलो करें। हमारी अपनी चॉइसेस हैं, हमारे अपने प्रेफरेंसेस हैं, हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ से क्रूड लेना है, कहाँ से सीरियल्स, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने हैं किसको, ये हमें डिसाइड करना है, ये हमें प्रायोरिटाइज करना है। और एक सॉवरेन नेशन के रूप में हम ये कर सकते हैं, बट उनकी इस स्टेटमेंट को आप ऐसे ही रट लेंगे या फिर इस बात पर बहुत प्राउड फील करेंगे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कितना कह दिया। आपको समझना होगा ना कि उनकी इस लाइन के पीछे की रियलिटी कितनी बड़ी है कि यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप को लगता है कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। इसके तहत आपको यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, यूरोपियन इकोनॉमिक मॉडल, यूरोपियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूरोपियन डेवलपमेंट समझनी होगी, तभी ये समझ आएगा कि यूरोप ने चीज़ों को इस मैनर में ऑलवेज प्रायोरिटाइज किया जो उसे बेनिफिट दें चीज़ें, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, उनको फंडिंग करके उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो रूलिंग्स हैं वो उस तरह से बनी जैसे अमेरिका और यूरोप को बेनिफिट करे, मेंबरशिप उस तरह से बनाई उनकी जो यूरोप को और अमेरिका को बेनिफिट करे। लेकिन इंडिया इसमें अब चेंज चाहता है क्योंकि अब ये नेशंस भी इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड डिमांड एंड सप्लाई चेन में, यानी कि वर्ल्ड मार्केट्स में, तो इनकी भी एक इफेक्टिव वॉइस है अब। तो दैट इज़ आज उनके कहने का मतलब कि आज यूरोप को पोल्यूशन नहीं चाहिए, तो यूरोप पूरी दुनिया को कह रहा है कार्बन कट कर लो और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ख़त्म कर दो। लेकिन एक लंबे समय तक, 200 साल तक यूरोप को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था तो उसने कार्बन बेस्ड फ्यूल बर्न किए और हाई लेवल पर पोल्यूशन किया, तो वो चलेगा? मतलब आपने डेवलपमेंट कर ली, अब दूसरे मुल्क ना करें, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए, अब दूसरे ना करें, आपका हो गया तो अब कार्बन एमिशन में कंट्रोल लगा लो, दैट इज़ नॉट द वे। तो वो ये समझाना, इसके लिए आपको पूरा अच्छे से बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के वाया आप यूरोप को समझते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। दैट्स वाई हम यूरोप पढ़ रहे हैं, हम यूरोप के रीजन्स को देखते हैं, उनकी कंट्रीज़ को देखते हैं, वो किस क्लाइमेट में हैं, कहाँ लोकेटेड हैं, उनके किस तरह के रिसोर्स बेसिस हैं। हम उनकी थोड़ी सी, जितनी कि सब्जेक्ट वाइज रिलेटेड ज़रूरी है, हम उनकी अब तक के डेवलपमेंट पैटर्न को समझने के लिए उनके इतिहास में आए हुए उतार चढ़ाव समझते हैं, उनके विश्व के साथ संबंधों को समझते हैं, और फिर अकेली अकेली कंट्री का
एक सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकड्रॉप समझते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आज भारत के उनके साथ संबंध कैसे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हो चाहे, आपकी फॉरेन पॉलिसी हो चाहे, चाहे किन्हीं भी नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को लेकर के आपका माइंडसेट हो, ये सब चीज़ों को सेटल करने में वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन द मैनर दैट वी विल कवर। ओके, इन मीनिंग्स को समझते हुए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी क्यों ज़रूरी है, इन सभी डेवलपमेंट्स को पढ़ने के लिए, उन्हीं को समझते हुए हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और वो है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में यूरोप नेम के उस कॉन्टिनेंट के सेंस में, द कॉन्टिनेंट इज यूरोप के सेंस में हम इन चीज़ों को पढ़ें। और क्या पढ़ने जा रहे हैं? द फर्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पैटर्न। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड यूरोप ऑफ दिस एज। इसके बाद द कॉलोनियलिज्म। लेकिन ध्यान रखें, ये कोई भी टॉपिक हमें हिस्ट्री या पॉलिटी उसकी तरह नहीं, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के सर्कल में पढ़ना। देन द एग्रेरियन रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स CBD एंड द प्राइमेट सिटीज, और रूरल टू अर्बन शिफ्ट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। वी विल अंडरस्टैंड देम ताकि आज के डायनेमिक्स हमें समझ आए। शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पैटर्न से। मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, रोमन एम्पायर एंड द वाइकिंग्स। शुरुआत रोमन एम्पायर से। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों यूरोप के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर करता हूँ मैं, आज का यूरोप, यूरोप ऑफ प्रेजेंट टाइम, कैसे देखते हैं आप इस यूरोप को, आज के यूरोप को? अगर मैं आपसे कुछ सवाल करूं, आप कैसे इमेजिन करते हैं यूरोप को? आपके रिलेटिव, दोस्त, यार यूरोप में रहते होंगे, आप खबरें भी सुनते हैं, बताइए नर्वस क्यों हो रहे हैं? आप कैसे इमेजिन करते हैं यूरोप को? यूरोप का क्या परसेप्शन है आपके दिमाग में, क्या पिक्चर है आपके दिमाग में? यूरोप के विषय में जब आप जानते हैं तो यूरोपियन यूनियन आपको पता है, यूरोपियन यूनियन इज अ बॉडी जो यूरोपियन कंट्रीज़ को कवर करती है। इसी के तहत आप देखते हैं एक चीज़ जिसको आप सब जानते होंगे कि मेजॉरली जो करेंसी है वो कॉमन है, यूरो। यूरो वो इसलिए है ना, देर इज़ अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग नेशंस हैं यूरोप के, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है EU, यूरोपियन यूनियन, ताकि गुड्स, सर्विसेज और पीपल का एक्सचेंज इन कंट्रीज़ में फ्रीली होता रहे, बॉर्डर कंट्रोल्स ना रोकें उनको। इसी के तहत ऐसा होता है ना कि आप शेंगेन वीज़ा लेकर के जाते हैं तो आप शेंगेन कंट्रीज़ में फ्रीली घूम लेते हैं, वीज़ा एक ही लेते हैं लेकिन हम सभी कंट्रीज़ में ट्रेन में बैठ के, बसेस में बैठ के जाते रहते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है, क्योंकि यूरोप ने वो कलेबोरेशन कर रखी है। तो ठीक है, एक आंसर मंसीरत ने दिया कि यूरोपियन यूनियन को इमेजिन करती हूँ मैं जब भी यूरोप को सुनती हूँ, और आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को इमेजिन करते हैं जब भी यूरोप को देखते हैं। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बार बार रिपीट करना चाहिए, ज्योग्राफी की खासियत क्या है, बार बार रिपीट करो तो फिर मैं आपके सामने बताता हूँ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। कौन, किन को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं गगन? नॉर्वे, स्वीडन एंड यहाँ पे कंट्री है डेनमार्क। तो दीज आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये एटलस आपका है, दे दीजिए प्लीज। नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। ऐसे लाइफ में प्रैक्टिस, बाइक पे जा रहे हैं दिमाग में नॉर्वे आया, साथ ही प्रैक्टिस ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। ठीक, इसी तरह से डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। ये कभी नहीं भूलनी फिर हमें, रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से इमेजिन करते हैं यूरोप को। और कुछ ये भी बताएंगे आपको, वेरी गुड। और वेरी गुड, सीनिक ब्यूटी से इमेजिन करते हैं। और दिस, ये एक क्वेश्चन, इस तरह से दिमाग में क्वेश्चन आने लगेंगे तो आपने वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी सीख ली, दैट्स इट। और वेरी गुड, दिस इज ब्यूटीफुल इमेजिनेशन।
क्लाइमेटिक कंडीशन, यूरोप की क्लाइमेटिक कंडीशन ये कहते हैं कि फेवरेबल हैं। ओके, और गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, गुड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स या इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनके इकोनॉमिक पैरामीटर्स, दे आर गुड गुड, इसीलिए तो लोग यूरोप को ज़्यादा इमेजिन करते हैं ना। तो बोलिए फटाफट आंसर दिया करिए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने लोग आपको पता है इंडिया से अप्लाई करते हैं जर्मनी की एजुकेशन के लिए? हाईली रॉबस्ट एजुकेशन नेटवर्क ऑफ द जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई लेवल GDP ग्रोथ ऑफ द जर्मनी। जर्मनी इतना डेवलप्ड है, उसके पीछे उनका एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है जर्मनी की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिग्रीज करवाती हैं, लेकिन बहुत मेहनत से एडमिशन मिलेगी उनमें आपको, एज एन ओवरसीज कैंडिडेट, बहुत मेहनत से, बट अगर मिलती है टोटली फ्री है पढ़ाई। सिर्फ आपको एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है, वो मेरे ख्याल 100 यूरो होता है एक सेमेस्टर का, वो भी मत दीजिए, दैट्स इट। कहीं सुना है आपने इतने में पढ़ाई? बट द एंट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन द जर्मनी, द प्राइमरी एजुकेशन, द सेकेंडरी और द हायर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, रोड्स, वाटरवेज, पोर्ट्स, कोस्टल, एयरवेज, ऑल आर रॉबस्टली डेवलप्ड। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर आज की डेट में आप इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में किस कंट्री के फॉर्मेट पे है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पैटर्न पे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो वही सिस्टम फिर हमने इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनाया। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात कौन करता है? ब्रिटेन। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, किसी परिवार का नहीं, किसी राज्य का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ की बात कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा था ना एक टाइम पे। और किन चीज़ों से जानते हैं यूरोप को? आप जानते हैं द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फॉर्म में जानते हैं। भारत में रेलगाड़ी कौन लेकर के आया? रेलवे। 1853 में पहली रेलगाड़ी चली भारत में, महाराष्ट्र में। किसने चलाई? ब्रिटिशर्स ने। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में आप यूरोप को जानते हैं। ओके, और उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर। आज जब आप वहाँ पर जाते हैं तो क्या विजिट करते हैं? वो बिल्डिंग्स, वो राइटिंग्स। तो क्या आप लोगों ने शेक्सपियर नहीं सुना? शेक्सपियर के बारे में नहीं पढ़ा? तो वो कहाँ से आता है? यूरोप से ही आता है, शेक्सपियर वहीं से आता है। वॉल्टेयर, रॉसे, जॉन लॉक, ये सब कहाँ से आते हैं? वहीं से आते हैं। फ्रीडम की बात करना, डेमोक्रेसी की बात करना, आज आप 4-4 वर्ष पर ओलंपिक्स की गेम विजिट नहीं करते, तो वो कहाँ से आती है? ग्रीस, द एथेंस। कहाँ पर हुई पहली बार ओलंपिक्स की गेम्स? यूरोपियन कंट्री ग्रीस। और कहाँ? तो आज वही ग्रीक्स किसी ज़माने में किस चीज़ के लिए जाने गए हैं बिगनिंग में? डेमोक्रेसी के लिए। आई बात समझ में? सो आज आप जब बात करते हैं हेरिटेज बिल्डिंग्स की, आर्किटेक्चरल स्टाइल की, चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। भारत में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन दिल्ली का, और तमाम राज्यों के गवर्नर हाउसेस और हाई कोर्ट्स, ये किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं बताइए मुझे? यूरोपियन, दैट इज़ द नियो गोथिक, द गोथिक स्टाइल, यूरोपियन इन्फ्लुएंस, दोज डोम्स, दोज पिलर्स। तो ये कहाँ से आ रहा है इन्फ्लुएंस? ब्रिटेन से ही तो आ रहा है। चलिए आज मैं आपको एक बात पूछता हूँ, भारत में अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस को थोड़ी देर साइड रखें, तो सबसे बड़ी लिंगवा फ्रेंका कौन सी है? इंग्लिश। इंग्लिश इज द लिंगवा फ्रेंका। लिंगवा फ्रेंका मीनिंग वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज से आप अपनी लैंग्वेज ग्रुप के बाहर से लोगों से बात करते हैं, यानी कि आपकी जो मदर टंग है, आप उसके बाहर जिस लैंग्वेज के लोगों से बात कर रहे हैं, दैट इज़ द लिंगवा फ्रेंका।
उस लैंग्वेज का यूज़ आप अपने घर में अपने ग्रुप में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आप मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाहर जो लैंग्वेज ग्रुप आप यूज़ कर रहे हैं उनसे बात करने, जैसे मैं पंजाबी हूँ और मैं अगर एक तमिलियन से बात कर रहा हूँ, तमिलियन से, जैसे मैं पंजाबी हूँ, एक मैं तेलुगु से बात कर रहा हूँ, मैं एक कन्नड़ से, एक मलयाली से बात कर रहा हूँ, तो हम किस लैंग्वेज को आपस में बात करने के लिए चुन रहे हैं? इंग्लिश. इट इंग्लिश इज लिंगुआ फ्रैंका देन. व्हाई? वो तेलुगु वाले का जो अपना मदर टंग है तेलुगु, उसका रीजनल लैंग्वेज. मेरा मदर टंग पंजाबी, और हम अपनी अपनी मदर टंग के बाहर वाले ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो लिंगुआ फ्रैंका हुई इंग्लिश. तो अभी पीछे देश के गृह मंत्री कहते थे कि हमें हिंदी को एज अ लिंगुआ फ्रैंका उठाना चाहिए, तो साउथ के स्टेट्स ने कहा हिंदी क्यों, इंग्लिश को लिंगुआ फ्रैंका बना दो, इंग्लिश बन जाएगी. ओके? तो आज की डेट में ये इंग्लिश आप लोग फ्रेंच क्यों नहीं बोलते, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश. द इम्पैक्ट ऑफ यूरोप, दैट इज द यूरोपियन कॉलोनियलिज्म. यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, आई बात समझ में? आप जिस तरह की इंडस्ट्रियल सेटिंग लगा के बैठे हुए हैं, जैसे फैक्ट्री प्रोडक्शन होती है, दैट इज यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन. आप अगर इमेजिन करना शुरू करेंगे तो फिर आपको फील होगा. और आज की डेट में आपका टाइम का काउंटिंग का सिस्टम किस पर बेस्ड है? लंदन के ऊपर से जो मेरिडियन गुजरती है, द ग्रीनविच टाइम मेरिडियन. ओके? सो द थिंग इज कि मैनी थिंग्स आर देयर टू ऑब्जर्व अबाउट यूरोप टूडे. सवाल फिर ये खड़ा होता है कि आज के उस यूरोप को जब आप इमेजिन करते हैं इन सभी चीज़ों में, चाहे लिटरेचर में, चाहे स्कल्पचर आर्ट में, चाहे आर्किटेक्चर आर्ट में यानी कि कंस्ट्रक्शन, चाहे लैंग्वेज, चाहे प्लेस, चाहे ड्रामा, चाहे कैफे कल्चर. आज का आपका ये जो कैफे कल्चर है ये कहाँ से आया? चलो उसको छोड़ देते हैं. मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ. लड़कों को, यूथ को ये बहुत पसंद है, द कैफे रेसर्स. ये कैफे रेसर बाइक कल्चर कहाँ का है? ये रॉयल इनफील्ड की बाइक, दैट इज इंटरसेप्टर 650, और दूसरा कौन सा है? दो निकाले, कॉन्टिनेंटल GT, दे आर द कैफे रेसर्स. व्हाट डू यू मीन बाय द कैफे रेसर्स? क्यों कैसे कैफे रेसर्स कहते हैं हमें? क्या ये क्रूज बाइक्स हैं? नो, दे आर कैफे रेसर्स. क्रूज बाइक वर्ड कहां पर आएगा? अमेरिका, USA, बिग कॉन्टिनेंट, बिग बिग कॉन्टिनेंट. People are living far away, but the industrial areas, the working areas are at a distant location. So they are having long distant cruises. So they are cruising. So cruiser bikes, the Harley Davidson. Harley के सभी bikes almost cruise. लेकिन इसके बिल्कुल उलट आप देखिए, जब आप European bikes की बात कर रहे हैं, they are cafe racers. Why? What is cafe racer? एक समय में जब Europe बना तो main mode of transportation walking था. तो जब वॉकिंग ही मेन मोड होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए, वहीं पर सामान उतरेगा जहाज से आके, तो रॉ मटेरियल वहीं उतर रहा है उसी पोर्ट पे, फर्स्ट. सेकंड, वहीं पर उसे प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री. थर्ड, वहीं पर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, घर भी वहीं होना चाहिए. फोर्थ, वहीं बैंक, वहीं शॉप्स, रिटेल शॉप्स, वहीं पर लॉन्ड्री, वहीं पर जिम, रिक्रिएशनल एक्टिविटी. तो यहीं से तो आ जाती है ये, दे आर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स. तो आज जब आप जल पंजाब में भी देखते हैं, चंडीगढ़ या दिल्ली में, तो आप ऑब्जर्व करेंगे एक ही बिल्डिंग में आपको बैंक दिख रहा है, सब्जियों की दुकान, मार्ट और ग्रोसरीज, वहीं पर सारी चीज़ें, आस ही पास में कामकाज की जगह भी होगी. तो एक पॉइंट पे वॉकिंग वाज द मेन मोड. इसकी वजह से हमने सब कुछ आस पास में ही बनाया ताकि टाइम सेव कर सकें. लेकिन फिर धीरे धीरे जब यही शहर बड़ा हुआ, तो फिर हमने क्या किया? ये हमारा घर है, वो कैफे है, हम सबको एसोसिएट होना है, आफ्टरनून में बातें बातें करनी है, डिस्कशंस करनी है, इमीडिएटली ट्रैवर्स करना है सिटी में. देर इज अ हाई क्राउड इन द सिटी, ट्रैफिक, एंड वी हैव टू ट्रैवर्स दैट ट्रैफिक वेरी फास्ट, वेरी सून. सो द कैफे रेसर्स आर कंफर्टेबल फॉर दैट. उसका स्टीयरिंग सिस्टम इज लाइक दैट कि यू कैन ट्रैवर्स. सो कैफे रेसर कल्चर, क्योंकि चीज़ें बहुत पास, बट highly congested area, traffics, and there was a cafe culture in the Renaissance period. लोग अपने thoughts को discuss करने के लिए cafes में जुटते थे, चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती थी, लिखी हुई चीज़ें बोल बोल के पढ़ के सुनाई जाती थी, और सब वहाँ आते थे.
वहीं पर बैठे बैठे एक समय के बाद फिर ऐसा टाइम आया कि काम भी होने लगा। तो यही तो कारण है कि आज आप वहां पर बैठे हैं उस कॉफी शॉप में और अपना लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं। यंगस्टर्स, आज जो स्टार्टअप कैंपेन्स यहाँ आज हैं, ये कैंपेन्स, ये प्रोग्राम्स वहाँ बहुत पुराने हैं, और यंगस्टर्स के लिए वो दोज कैफेज वर इम्पॉर्टेंट ऑफिस एरियाज टू वर्क, दे वर इम्पॉर्टेंट ऑफिस एरियाज टू वर्क। ठीक है, तो दैट्स वाई द कैफे रेसर कल्चर इज अ यूरोपियन कल्चर एंड इट इज द सेम कल्चर फेमस इन द जापान, क्योंकि जापान यूरोपियन इंडस्ट्रियल मॉडल पे ही डेवलप हुआ है, यूरोपियन अर्बन मॉडल ही उसने फॉलो किया है। इवन कपड़ों से लेकर के गाड़ियां चलाने तक, खाने पीने की हैबिट तक, सब चीज़ों को आप ट्रेस कर सकते हैं आज के यूरोप की, अगर आपको पता है ये यूरोप अब तक बना कैसे। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, कि हम जब आज के यूरोप की बात करते हैं, हम उन्हें जब इन चीज़ों से देखते हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि यूरोप की अपनी एक पिछली हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के दौरान एक खास डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो किया यूरोप ने। उसके लिए वी हैव टू स्टडी यूरोप, क्योंकि इसमें से मेजॉरली चीज़ें जो यूरोप में आज हैं, यूरोप ने इन सबको रिकॉल किया था। यूरोप ने इन सबको क्या किया था, रिकॉल। यूरोप आज जो है आपके सामने, वो यूरोप इस टाइम का बना हुआ है, ध्यान से देखिए, 15th सेंचुरी से शुरू होके, यानी कि समवेयर अराउंड 1400 के बाद AD से शुरू होके आज दिन तक मेजॉरली 20th सेंचुरी तक, यानी कि 1900 तक जो यूरोप कंप्लीट हुआ, इस 500 साल के यूरोप के वर्जन को आज आप देखते हैं। लेकिन ये 1400 तक यूरोप सोया हुआ था, तो दैट वाज द डार्क एजेस। और सोना शुरू कब हुआ था, कब नींद में गया था, समवेयर अराउंड 500 AD, 500 एडी से 1400 एडी तक डार्क एजेस में चला गया, फिर जागा 1400 में और याद किया कि मैं 500 के पहले कैसा था। तो फिर जब याद किया, तो याद किया रोमन एम्पायर को, तो वो रोमन एम्पायर की यादें, उसकी लेगेसी ने ये 500 साल का यूरोप दिया, और इस 500 साल के यूरोप ने इस समय पूरी दुनिया को अफेक्ट किया हुआ है, इम्पैक्ट किया हुआ है। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डेवलपमेंट, दैट रोमन एम्पायर। क्या ऑब्जर्व करना है हमने रोमन एम्पायर में से, देखिए ध्यान से समझिए चीज़ों को। देखिए, एक समय हुआ करता था यूरोप में, हम स्केल में पीछे जाएंगे, हम 2022 में बैठे हैं, हम पीछे आ गए 1500, द टाइम ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, द टाइम ऑफ श्री गुरु नानक देव जी हम पीछे आ गए, दैट इज़ द 500। और ये एक समय में समय रहा होगा द गुप्ताज, एकदम डिक्लाइन, द गुप्ताज का डिक्लाइन पीरियड, हम आगे आ गए 100 AD, हम और पीछे आ गए, आगे आ गए मैंने पीछे आ गए, और 100 ये समय रहा होगा द कुशाणास, कुशाण रूलर्स, और जिस इम्पोर्टेंट रूलर द कनिष्क, सो कुशाणास का समय रहा होगा, और हम आगे आ गए 0 AD, एंड दैट वाज द टाइम ऑफ द जीसस, द क्राइस्ट पीरियड, द जीसस, ओके। हम इससे भी पीछे चले गए, हम जीरो से पीछे चले गए, जीरो से पीछे, और समवेयर अराउंड हम आ गए 200 BC, तो ये टाइम किसका रहा, द मौर्यंस का डिक्लाइन, मौर्यंस का डिक्लाइन, और इसके भी पीछे चले गए हम 500 BC, किसका टाइम है, महात्मा बुद्ध, 2200 से पीछे की ओर आप जाते रहे। तो एक समय हुआ करता था, इससे भी पीछे चले आया, 800 BC के अराउंड जो ग्रीस है, वहाँ पर एक सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो की जाती थी, द ग्रीक डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बड़े स्तर पर कई डेमोक्रेटिक सिद्धांत दिए हैं, कई डिस्कशंस हुई हैं, एरिस्टोटल, प्लूटो, सोक्रेट, बहुत खूबसूरत राइटिंग है इनकी, पढ़ के देखिएगा, कई क्वेश्चंस पोज करते हैं वो आपको कि कैसी होनी चाहिए सोसाइटी। एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में अरस्तु कहते हैं, सोक्रेट, जिन्हें सुकरात कहते हैं।